बेटा पूरी रात 10 लड़कियों से संबंध बनाता रहा और माँ दारू पिलाती रही और फिर मचा बवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है अहमदाबाद के तालुका पुलिस स्टेशन की। उस इलाके में रोहन नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 18 साल, वह अपनी माँ का नाम होता है ममता, जिसकी उम्र 40 साल होती है, उसके साथ रहने के लिए आता है और एक किराए का मकान लेता है सोसाइटी के अंदर। वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं और जो रोहन की माँ होती है ममता, वह आस पड़ोसियों से मेल झोल बढ़ाने लगती है। सभी लोगों के घर में जाती है और सभी लोगों से बात करती है, यानी कि तालमेल बनाने की कोशिश पूरी करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं तो रोहन का जन्मदिन होता है, और जैसे ही रोहन का जन्मदिन होता है तो उसकी माँ ममता आस पड़ोस में जाती है और आस पड़ोस की 40 लड़कियों को निमंत्रण देती है अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। दोस्तों, शाम को जन्मदिन की तैयारियां की जाती हैं और उन 40 लड़कियों में से 10 लड़कियां रोहन के जन्मदिन में आ जाती हैं। अब अच्छी तरह से धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है और जन्मदिन मनाने के बाद ममता उन लड़कियों से कहती है कि चलो, यहाँ तो हमने जन्मदिन मना लिया, अब पब में चलते हैं, वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे। वो सारी लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं और फिर उनको गाड़ी में बिठा करके पब में ले जाया जाता है। पब में ले जाने के बाद उनको जैसे तैसे बातों ही बातों में और बहला फुसला करके उनको शराब पिला दी जाती है ममता के द्वारा। 10 की 10 लड़कियों को शराब पिला दी जाती है और फिर जब वो शराब पी लेती हैं, उसके बाद वहीं उसी पब के अंदर एक कमरा बुक किया हुआ था ममता ने, उस कमरे के अंदर उन सारी लड़कियों को वह ममता ले जाती है और ममता के साथ उसका बेटा भी होता है। वह लड़कियां बेहोशी हो जाती हैं, बेड पर पड़ जाती हैं। उसके बाद ममता और उसका बेटा उनके कपड़े निकालते हैं और कपड़े निकालने के बाद उनको नंगी करके फिर जो बेटा होता है रोहन, वह बारी बारी से उनके साथ संबंध बनाता है। सभी लड़कियों के साथ कई कई बार संबंध बनाने के बाद अब ममता उन लड़कियों को नीचे ले आती है कपड़े पहनाकर और उसी गाड़ी में बिठाकर उन लड़कियों को उसी सोसाइटी में छोड़ आती है और फिर वहाँ से माँ और बेटे फरार हो जाते हैं। वह लड़कियाँ नशे में धुत थी, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे और ममता के पास फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन ममता ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। अब दोस्तों, वह लड़कियां उस गाड़ी में बैठी हुई थी अपने घर के समीप ही थोड़ी दूर पर, लेकिन वह गाड़ी में से ना तो उतरती हैं और ना ही वह कहीं जाती हैं, ना चीखती हैं, ना चिल्लाती हैं। उस गाड़ी में बैठी बैठी सो जाती हैं। रात भर वह उस गाड़ी में सोती रहती हैं। सुबह जब होती है तो घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं होता है तो पुलिस के पास जाते हैं सारे घर वाले इकट्ठे होकर। पुलिस को किसी ने फ़ोन कर दिया था कि इस सोसाइटी के अंदर एक गाड़ी के अंदर 10 लड़कियां बेहोशी की सी हालत में पड़ी हुई है। पुलिस वहां पर आती है और सारी लड़कियों ने ड्रिंक की हुई थी, यानी कि नशे में धुत थी और अब सुबह हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा उनको होश आ रहा था। पुलिस उन लड़कियों से उनका नाम पूछती है, उनके माँ बाप को बुला लिया जाता है और उनके माँ बाप के साथ उन लड़कियों को कर दिया जाता है। अब पुलिस हैरान है, ये लड़कियां जन्मदिन में गई थी, शराब पीकर क्यों लौटी हैं? हो सकता है एक दो लड़की शराब पीकर आए तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन दसों की दसों लड़कियां शराब के नशे में ऐसे कैसे आ गई? अब दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है और लड़कियों के माँ बाप से पूछती है कि कौन थे वो लोग जिनके साथ ये गई थी। सभी लोग ममता का नाम बता देते हैं, उसके बेटे रोहन का नाम बता देते हैं। दोस्तों, अब पुलिस रोहन और ममता को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ममता सारी सच्चाई बताती है कि हमने ऐसा इसलिए किया, और जब सारी सच्चाई पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जो ममता होती है, ममता पुलिस से कहती है कि हम दोनों माँ बेटे नई नई सोसाइटियों में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और फिर वहाँ जान पहचान बढ़ाते हैं, और फिर जैसे जान पहचान बढ़ जाती है तो फिर रोहन का जन्मदिन होता है और फिर उस जन्मदिन में लड़कियों को बुलाया जाता है, उनको इसी तरह से एक रूम बुक करके उनको ले जाया जाता है, उनको शराब पिलाई जाती है और फिर उनके साथ मेरा बेटा रोहन संबंध बनाता है। और जो ममता थी, वह उनकी वीडियो रील बनाया करती थी, यानी कि वीडियो बनाया करती थी। उसके बाद पुलिस कहती, वीडियो बनाकर तुम्हें क्या मिलता? तो ममता कहती कि इन वीडियोज़ को मैं पोर्न साइट पर बेच दिया करती थी बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में, और वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाया करती थी। दोस्तों, पुलिस यह सुनते ही पुलिस भी परेशान हो जाती है, उन दोनों माँ बेटों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसा ऐसा समाज है दोस्तों आज के समय में, अपने बच्चों को किसी के साथ कभी भी ना भेजें, न जाने कौन कैसी घात लगाए बैठा हो। किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ना करें, किसी के ऊपर लोग ज़्यादातर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है ऐसा धोखा देखने को मिल जाए।
तो उन लड़कियों का क्या कसूर था जो उनके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई शराब पिला करके, और फिर उनकी जो वीडियो है वो बनाकर पोर्न साइट पर बेची गई। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी बदनामी भी हुई, और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समाज के अंदर कभी भी ऐसी चूक ना होने पाए जिससे कि आपके बच्चों का नुकसान हो जाए या फिर कोई बुराई उनसे लग जाए। किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास बिल्कुल भी ना करें, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, और जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास ना करें, जांच लें, परख लें, तब जाकर विश्वास करें। जय हिंद, जय भारत।